तो एक बार फिर से वेलकम स्टूडेंट आपका। और जैसे कि आप जानते हैं, आज रिटायरमेंट का दूसरे टॉपिक से रिलेटेड हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। एक बार रिमाइंडर करा देता हूँ आपको जल्दी से कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आपके जो केस बताए थे प्यारे बच्चों, मैंने सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया था। तो पहले अगर याद नहीं है तो एक बार दोबारा से वीडियो देख लेना। लेकिन केस फर्स्ट में आपको बताई थी, अगर पुरानी गुडविल दिखाई दे रही है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट होगा, ओल्ड रेशियो में बटेगा। और अगर वैल्यूएड गुडविल है तो उसकी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये न्यू रेशियो में हमने देख लिया सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। फिलहाल सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अपना। क्वाइट सिंपल होगा, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है ऑफ दिस टॉपिक, है ना। तो चलिए देखते हैं 13 क्वेश्चन। सभी को आवाज आ रही है भाई? यस यस सर, यस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 सर, देखिए, कह रहा सुनील, शाहिद और डेविड तीन पार्टनर हैं। कौन कौन है जी? सुनील, शाहिद और डेविड तीन पार्टनर हैं जिनका रेशो 4, 3 और 2 है। शाहिद रिटायर हो रहा है। रिटायर जो हो रहा है वो कौन है भाई? हमारा बीच वाला पार्टनर। तो शायद वो हम हाईलाइट कर लेते हैं। आपके पास पेन हो तो आप अंडरलाइन कर लिया करें अपनी नोटबुक में। कह रहा शाहिद रिटायर एंड द गुडविल इज वैल्यूएड। तो इसमें क्या बताया प्यारे बच्चों? वैल्यूएड गुडविल बताई है। तो मुझे बताओगे गुडविल का कौन सा केस लगता नजर आ रहा है यहाँ पर? सर केस फर्स्ट सर बताओ सब अपने। सर सेकंड सेकंड केस नजर आ रहा भाई एकांश, कहाँ से केस फर्स्ट नजर आ गया तुझे? वेल वेरी गुड, क्या किया ना सर इसमें यहाँ पर कहाँ तो अपियर सेकंड बताया इन होगा। द बुक्स? बिल्कुल सही है, वैल्यूएड गुडविल है। एकांश यस सर, कुछ क्या हो गया, खाना नहीं दिया क्या मम्मी नहीं ने? हुआ सर, ना अभी तो खाया। कैलकुलेट साहिद शेयर ऑफ गुडविल एंड पास द जनरल एंट्री फॉर गुडविल। सुनील एंड डेविड डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। ये काहे का बताया भाई? डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, क्या मतलब समझे इसका? शेयर फ्यूचर प्रॉफिट का मतलब? न्यू रेशो बिल्कुल सही, वेरी गुड। न्यू PSR बता दिया भाई। किस किस का बताया? साहिल का, और सॉरी द्रविड़ साहिल ने तो सुनील का, सुनील और द्रविड़ बिल्कुल सुनील का और डेविड का देवेंद्र बता दिया। 5 और 3, यहां तक समझ में आती है बात? अच्छा, जैसे शिवम ने हमें बताया कि गुडविल का केस सेकंड लग रहा है, तो केस सेकंड की एंट्री क्या है भाई, बताओगा कोई बच्चा? सर, गेनिंग पार्टनर पार्टनर्स कैपिटल कैपिटल अकाउंट, अकाउंट गेनिंग डेबिट पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल सेक्रीफाइस अकाउंट। पार्टनर, बिल्कुल गेन टू सेट। अब मुझे ये तो पता है गेन क्यों नहीं, सॉरी, क्योंकि इसमें न्यू रेशो का कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा क्योंकि न्यू रेशो इन्होंने खुद दे दिया। तो क्या मुझे पता है कितना रेशो होगा गेनिंग रेशो? नहीं पता ना। सेक्रीफाइस तो पता है साहिल को होगा ही होगा, यस और नो? सर, तो इस यस एंट्री को सर, पास करने के लिए, इस एंट्री को पास पहला करने के गेम रेशो लिए निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, मुझे निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा नोट्स हो गया, ये जो हमने बनाया ये हमारे नोट्स हो गया, सो दैट हमें पता चले हम काम क्यों कर रहे हैं। अब हमें निकालना पड़ेगा, तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहला कौन है भाई हमारा? सुनील। सुनील तो जैसे मैं कहता हूँ आप यहाँ पे जगह छोड़िए और लिख दीजिए सुनील्स, और मन में सोचिए गेनिंग रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, 5 5 बाई 8 तो माइनस 4 बाई 4 और 3 7 और 9, यस और नो? सर, तो सेवेंटी नो। तो एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा भाई हमारा? टू बिल्कुल सही, 72। तो 8 72 और 9 5 45 माइनस 9 72, 8 चौक 32,
सही है यहाँ तक तो? यस सर, सर तो तेरह बटे हमारा तेरह जो ये बटे रेशो बहत्तर आएगा 13/72 होगा। तो ये क्या आया, सुनील का कौन सा रेशो आया भाई? ये गेन ही आया क्योंकि प्लस में आंसर आ रहा है। दूसरा कौन है भाई हमारा? डेविड। अब हम निकालते हैं डेविड का, डेविड्स गेन रेशो। ये सॉरी ये बाद में लिखेंगे। और अब हम निकाल देंगे अपना क्या, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कितना है प्यारे बच्चों? 3/8 माइनस 2/9, सेम एलसीएम सर। आएगा 72। 9 72 8, 9 8 9 72, 9 3 27 माइनस 9 72 8 2 16, तो कितना हो जाएगा भाई ग्यारह बटे आपका? बहत्तर बिल्कुल सही, तो ये हो जाएगा 11/72 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों को ही तो गेन हुआ, और जो गेनिंग रेशो हुआ वो कितना हुआ? 13:11, 13 रेशो इलेवन ग्यारह, बिल्कुल 13:11 या 13:11। सो वी नो वेरी वेल कि दोनों को गेन हुआ है पुराने पार्टनर्स को। तो एंट्री क्या डालनी है हमें? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग। अब गेन किस किस को हुआ मुझे पता है, सुनील को भी हुआ और डेविड को भी हुआ। को क्या तो मैं क्या डाल सकता हूँ एंट्री बेटा? सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट डेबिट और कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेविड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू तो सैक्रिफाइजिंग कैपिटल टू साहिब्स कैपिटल अकाउंट। अकाउंट अब बात मेन क्या आती है, बच्चे यहां पर भी गलती कर जाते हैं भाई। जो गुडविल इसमें बताई, वैल्यूएड गुडविल, वो कितने की बताई भाई? बहत्तर बहत्तर हजार हजार रुपए 72,000 रुपए की गुडविल तो पूरे फर्म की हुई ना, उसकी थोड़ी हुई, ये सुन लो। यस तो सर, बहत्तर लिखिए रेशो तो हजार निकाल लीजिए। गुना फिस शेयर। अब उसका शेयर कितना था ये मुझे यहां से पता चल गया, कितना थ्री था भाई इसका? 3/9 अपॉन था, तो 3/9 कर दूंगा मैं इसका, 3/9। यस और नो? नाइन यस सर। यस सर जस्ट ए सेकेंड, 3/ ये हो गया हमारा साहित्य शेयर ऑफ गुड गुड। तो कितना हो जाएगा भाई हमारा? 9 8 72 आठ या हजार आ गया 24,000। चौबीस तो ये 24,000 हमें जर्नल एंट्री में लिख सकते हैं, किसके सामने? शाहिद के सामने, सुनील साहिद के सामने, सुनील के सामने नहीं, सिर्फ यस हमने सर, साइड निकाला के साहिद। हाँ यस सर तो हम यहाँ पे लिख देंगे बेटा 24,000। अब इस 24,000 को हम कौन से रेशो में बांट देंगे भाई? तेरह तो बिल्कुल गेनिंग गेनिंग रेशो में, 13:11 है ना। रेशो तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 24 ही भाई, 24 हो जाएगा टोटल। 24 से भाग दोगे तो एक आएगा, तो 13,000 और तेरह 11,000 हजार में और बढ़। ग्यारह समझ में आया सभी के भाई? यस सर पक्की बात मान लो कि समझ में आया, यस सर ठीक है। तो हम इसको भी यहां से हटा देते हैं जरा, इसको हम यहां से हटा देते हैं और अपने क्वेश्चन पे ले जाते हैं इसको। थर्ड, ठीक है जी। चलिए फिर दोबारा से क्वेश्चन के अंदर आते हैं और अपना क्वेश्चन देखते हैं। 13 हो चुका। अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर अपना 14। 14 देखो, पी क्यू आर एस चार पार्टनर थे जिनका रेशो ये था। ऑन 1 जनवरी 2021 एस रिटायर हो रहा फ्रॉम द फर्म। ऑन एस रिटायरमेंट गुडविल वॉज वैल्यूड 4,20,000 रुपए। यहाँ तो सही है, समझ में आती है भाई बात?
कुछ नया नहीं है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दिया क्या, शोइंग योर वर्किंग नोट क्लियरली पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन द बुक्स ऑफ द फर्म एस रिटायरमेंट। तो बताओ मुझे कोई बच्चा बताएगा कौन सा केस लगा गुडविल का? बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 14 में अगर मैं गुडविल के केस की बात करूं, गुडविल का केस कौन सा लगा जी? सेकंड लगा। एंट्री क्या होगी जी? सेकंड। एंट्री क्या होगी? गेन पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रेटरी। बिल्कुल, गेन टू सेक। मैं शॉर्टकट में इसको बोलता हूँ, गेन टू सेक। समझ में आ जाएगा ना आपके गेन टू सेक? यस सर। ठीक है, और आपको पता गेन टू सेक निकालने के लिए पहले आपको कौन सा रेशो निकालना पड़ेगा? गेनिंग, है ना? गेनिंग रेशो। बिल्कुल, चलिए आगे चल रहे हैं। 14 कर लोगे अब तो? 15 पे आ जाओ। यस सर। 15 में कहा अपर्णा, मनीषा और सोनिया तीन पार्टनर थी जिनका रेशो 3-2-1 था। मनीषा रिटायर हो रही है और गुडविल जो वैल्यूएट करी गई इतनी, और डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ये 3:2 है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। क्या कर दूं इसको, क्या कर देना चाहिए भाई? सर हो जाएगा, कर देना चाहिए, छोड़ देना? हाँ छोड़ देना चाहिए ना, छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 15 डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं भाई। ए बी सी तीन पार्टनर जिनका रेशो 3-2-1 भी रिटायर है और द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 हो जाएगा। गुडविल वैल्यूएट करी गई 90,000 रुपए और पास द जनरल एंट्री, बिल्कुल सेम है, कर लोगे? 17 पे आ जाओ। यस सर। ठीक है, 17 भी सेम है। अब ये है 18 में करा दूं ताकि आपको पता चल जाए। 18 देख लो अब तो। हनी, पम्मी और सन्नी तीन पार्टनर थे भाई। हनी, पम्मी और सन्नी तीन पार्टनर थे जिनका रेशो कितना था? 3:1। गुडविल अपियर इन द गुड बुक ऑफ वैल्यूड वैल्यू जिसकी थी 60,000 रुपए। कह रहा पम्मी रिटायर एट द टाइम ऑफ पम्मीज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूएड 84,000 रुपए। और कह रहा सन्नी और डिसाइड करा फ्यूचर प्रॉफिट कितना बांट लेंगे जी अपना? 2:1 में कर लेंगे। तो जनरल एंट्री आपको डालनी। चलिए जी मुझे फटाफट बताइए कि इसमें रिटायरमेंट पहले तो कौन ले रहा है भाई? हमें पी ले रहा है। तो इसमें न्यू रेशो तो खुद बता दिया ना? यस सर। यस सर। न्यू रेशो ऑफ हनी और सन्नी वो कितना बता दिया भाई? 2:1। अच्छा गुडविल का बताओ केस कौन सा लग रहा? केस फर्स्ट। कौन सा लग रहा बताओ सर? फर्स्ट। कुछ फर्स्ट कह रहे हैं, कुछ सेकंड कह रहे हैं, बताओ जल्दी से। सर सेकंड है, वैल्यूएट गुडविल है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, बुक वैल्यू है सर। मेरे प्यारे बच्चों तुम कितना ही पढ़ा लो तुमने भाई, दोनों ही केस दोनों फर्स्ट और सेकंड है सर। ऐसे काम ना करो यार, गुडविल इज अपीयरिंग तो ये दे दिया, गुडविल इज वैल्यूएड एकांश तो नहीं पड़ रहा भाई, वैल्यूएट 84,000 रुपए, खत्म बात। दोनों केस तो हैं इसमें, तो लड़ो मत दोनों केस। खैर अब मुझे एंट्री डालने के लिए पहले मैं गेन रेशो निकाल लेता हूँ, ठीक है ना? तो हनी का निकाल लेते हैं भाई, हनी का गेन रेशो निकाल लेते हैं। हनी का गेन रेशो होगा न्यू 2/3 माइनस ओल्ड 3/6 एलसीएम आ जाएगा। 3 × 6 2 × 4 -3 तो 4 में से 3 जाएगा 1/6। ऐसे ही मैं हनी के बाद एस का निकाल लूंगा, वो हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/3 -1/6 6 ऐसे में आ जाएगा 3 × 6 2 × 2 -1 यानी कि 1/6। तो जो गेन रेशो आया वो कितना आया? 1:1 यहाँ तक सही है जी। अब मैं अपनी दोनों दोनों केस की एंट्री डालूंगा, इसमें ऐसे घबराने की जरूरत नहीं होती जैसे आप घबरा गए, ठीक है ना? तो जनरल एंट्री उसने पूछी तो हम जितने केस हम उनकी डाल देंगे। एडमिशन में नहीं होता था एक ही क्वेश्चन में कई सारे केस आ जाते थे, यस और नो? यस सर। तो फिर घबरा क्यों रहे हैं कि भाई केस ही हुई है भाई, जितने केस है उसकी एंट्री डाल दो, लड़ने की क्या बात है? हम अपनी जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे और पास कर देंगे एंट्री, बस सिंपल।
तो लड़ो ना, और उतना सिंपल बनाओ क्वेश्चन को जितना बना सकते हो। लो जी, तो पहली एंट्री डाल दूंगा मैं। फर्स्ट एंट्री है अपियर गुडविल है, तो अपियर गुडविल की क्या बता रहे की एंट्री आपको, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल कॉस्ट डेट। हाँ, टू गुडविल। अब इसमें तो ओल्ड सारे ही है ना, सारे ही है ना ओल्ड, भाई रिटायरमेंट है, सारे ओल्ड है। तो हम क्या करेंगे, कौन कौन नाम थे भाई बताइए तो, हनी एच हनी 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 पी एस। तो आप तो पूरा लिखा करें, कभी आप भी ऐसे शॉर्टकट यूज करें, नंबर नहीं मिलने के आपको। मैं थोड़ा ऑनलाइन क्लास कम बड़ी हो इसलिए ऐसी कोशिश करता हूँ। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और टू क्या हो जाएगा, सॉरी गुडविल टू हो जाएगा गुडविल। कौन सी गुडविल सर, अपेयर गुडविल अपियर। 60,000। बिल्कुल, बताओ कितने की है, 60,000 रुपए की। 60,000 की बिल्कुल। और कौन से रेशो में बटेगी बताओ जल्दी से। ओल्ड सर, ओल्ड रेशो, री रेशो। बिल्कुल सही, रेशो वन। हाँ, 3, 2, 5 और 1, 6। तो 6, तो 3,000, 2,000 और 1,000 ओल्ड रेशो में बटेगी। डन है सर, 30,000, 20,000, 10,000 सर, 30,000, 20,000, 10,000 बिल्कुल सही बात है, 60,000 था ये। चलिए अब वेलवेट की डलेगी गेन टू सैक। अब गेन किस किस को हुआ भाई हमारा, एच को और एस को। और जा रहा है तो टू पीस कैपिटल लगाओ। अब वेलवेट गुडविल, अब ये वर्किंग नोट करना पड़ेगा। वेलवेट गुडविल बताओ जल्दी से कितनी है। 84,000। कितनी, 84,000। 83, 84, 84। ठीक है, और उसका शेयर कितना, उसका शेयर कितना था, 2/6। तो आप इसको सॉल्व करेंगे 28 आ गया। अब 28 कहाँ जाएंगे हमारे इसके रेशो में सर, 2p 1:1, क्योंकि ये 1:1 था। तो ये खत्म, क्वेश्चन कंप्लीट है। आया समझ में सभी को, तो ऐसे बेटा दो केस भी आ सकते हैं, अपने कान को खोल के रखना है आपको। अब हिसाब आगे से क्वेश्चन को जब भी पढ़ो तो पूरा पढ़ना है, और जितने केस लग सकते हैं उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। ये मैंने पेस्ट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 18, 16, 17 ये खुद करने हैं आपको। ठीक है, चलिए जी अब आ जाते हैं। ये हिडन गुडविल का है 1920, ये मैं जरा रुक के करूंगा क्योंकि बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज करे हैं। क्वेश्चन सिंपल है, पहले मैं करवा देता हूँ आपको आपका 21 को देखो भाई, इससे कोई मतलब नहीं हमारा। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा देखो, 21 में क्या कहा प्यारे बच्चों, एम एन ओ तीन पार्टनर है जिनका रेशो कितना भाई, 3:1। यस और नो, यस सर। अनरिटायर ले रहा कह रहा है, अनरिटायरमेंट ले रहा है, तो मैं उसको क्या कर लेता हूँ, हाईलाइट। ठीक है, कहता है एम एन ओ एग्री टू प्रॉफिट इक्वली, तो न्यू रेशो बता दिया भाई, 1:1। किस किस का, एम का और ओ का, कितना भाई, 1:1। कह रहा पास द जनरल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और गुडविल हैज बीन वैल्यूड 60,000। तो गुडविल का कौन सा केस लगा भाई, सेकंड। तो बताओ कुछ नया थोड़ी है इसमें, नहीं सर नहीं है। चलिए लेकिन नहीं, मैं करा देता हूँ फिर भी, जो मैं करा रहा हूँ तो इसलिए कुछ होगा, एक बार देख लो, लेकिन है कुछ नहीं। गुडविल का केस सेकंड है, यहाँ तक सही है, क्योंकि न्यू रेशो खुद दे दे तो मुझे गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा, तो मैं निकाल लेता हूँ किसका भाई, एम्स, और जगह छोड़ के मैं कर देता हूँ
क्या होता है वन न्यू रेशो, वन बाय टू माइनस ओल्ड रेशो, ओल्ड कितना भाई तीन, तो पांच और एक छह, तो सिक्स एलसीएम आ जाएगा, दो तिया छह माइनस थ्री माइनस थ्री, तो कितना है जीरो बाय सिक्स। तो बताओ मैं अब यहाँ अगर गेन लिख दूं तो गलत होगा या नहीं होगा बताओ मुझे। यस सर क्यों होगा, क्यों होगा गलत? तो मैं बिल्कुल नो गेन और नो सेट, ना तो गेन हुआ ना सेक्रीफाइस हुआ, तो हम यहाँ वैसे ही तुम्हारे लिए समझा के लिख रहा है, पेपर में कोई जरूरत नहीं लिखने की, ये गेन भी काट के जान के दिखाया लिखकर ताकि आपको याद रहे फ्यूचर तक। तो नोट कर लेते हैं एम्स नो गेन नो सेट, नो सेट। चलिए खैर अब किसकी बात करेंगे भाई हम, ओके ओज, वन बाय टू माइनस वन बाय सिक्स, सिक्स एलसीएम, दो तिया छह, तीन एकम तीन माइनस एक, तो कितना भाई आ जाएगा टू बाय सिक्स। कहीं का आंसर आ रहा बेटा, किस चीज में आंसर आ रहा बेटा, प्लस में आ रहा, तो क्या हुआ इसको, इसको हुआ गेन। वेल अब तो अब वेल वेट गुड विल है, तो मैं हमें एंट्री डाल सकते हैं, कौन सी एंट्री डालेंगे बताओ जल्दी से मुझे। गेन टू सेट की तो एंट्री बता रखी मैंने आपको, तो ठीक है हम गेन टू सेट डाल देंगे। एक सेकंड रुको बस, मैं फॉर्मेट बना लूं ताकि आपको भी आदत पड़े कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फॉर्मेट से ही करने होते हैं। चलिए जी, अब शिवम अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के अंदर, तो एंट्री गेन टू सेट तो याद कर लिया, एंट्री बताओ मुझे क्या होगी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ओ कैपिटल अकाउंट है अभी, बिल्कुल सही, ओज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यस। एम ओ एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन एम एम एम, ठीक है एम कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या बोल रहा तू लड़के, टू एन करा सर। अच्छा ठीक है, देखो मुझे पता था इसीलिए क्वेश्चन कराया मैंने, 99% बच्चे यही क्वेश्चन करेंगे अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। भाई शिवम अभी बताओ तुम पहाड़ा पढ़ रहे हो, तुम्हारा वही काम हो गया ना कि बोल रहे कुछ और कर कुछ रहे, अभी एंट्री क्या बताई, कौन सी एंट्री डाल दें, गेन टू सेक, हाँ या ना? यस सर, गेन टू सेक, इसका मतलब क्या समझते हो तुम, जब मैं आपको याद कराता हूँ गेन टू सेक इसका मीनिंग क्या होता है, यानी कि जिसको गेन हुआ उसको तो कर दो डेबिट और जिसको सैक्रिफाइस हुआ उसको क्या कर दो क्रेडिट। तो मुझे जब तुमने एम डलवाया मेरे प्यारे बच्चे, तो अभी तो बताया यहाँ पर, अभी तो बताया, फिर ऐसा काम क्यों बताओ, एम को तो ना तो गेन हो रहा ना सैक्रिफाइस हो रहा, तो एम को क्यों जबरदस्ती घुसा रहे बताओ, आया मेरी बात समझ में कुछ, मैं क्या बताया? यस सर, आगे सर। इसीलिए आपके एग्जाम में मार्क्स काट दिए जाते हैं और आप बड़े खुश होके आते हो, अरे किले गाड़ दिया तुमने। वेल मैं इसको जानकर लिखकर और काट कर दिखा रहा हूं ताकि फ्यूचर में अगर आप इस क्वेश्चन को इस वीडियो को देखते हैं तो आपके याद रहे, लो याद रखना इस बात को। अब आया समझ में शिवम क्यों नहीं लिखा है? यस सर, क्योंकि हमने एंट्री भाई मैं तो तुम्हें ऐसे एंट्री याद करवा के चलता हूँ फॉर्मूला वाइज गेन टू सेक, तो फिर क्यों जबरदस्ती एम को ले रहे हो, एम का क्या दोष? खैर एंड अब निकाल लेंगे हम वैल्यूएट गुडविल कितने की बताओ, 60,000 रुपए। मुझे शेयर किसका निकालना, एन का, एन शेयर, जल्दी से मुझे एन का वो बताओ रेशो, 2/6 कितना आ जाएगा, 20,000, तो यहाँ पे तो 20,000 आएगा और इसके रेशो बांट दोगे तो ऑटोमेटिक 20 आएंगे, यस और नो? 20,000 यस सर। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका और इस पे स्टार लगा लो जरा अभी के अभी, और कोई आलकस नहीं चाहिए मुझे। इतनी तसल्ली से क्वेश्चन करा के दिखाने का मतलब ही मेरे प्यारे बच्चों ये है कि आप चीजों को समझें। चलिए जी फिर आ जाओ क्वेश्चन पे।
तो इसका जस्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 22 सेम है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 23। 23 को देखे, ये भी मैं हटा देता हूँ, आपको इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये है ना प्यारे बच्चों एग्जाम में मिलते नहीं, ये नीले हेडिंग ना पेपर में मिलते नहीं, अगर मिला करते तो काम खत्म था, तो इसलिए इनको देखो ही मत, जब मैंने कह दिया इसी टॉपिक का क्वेश्चन है तो करते चले जाओ बस मजे से। 23 कह रहा ए बी सी, ए बी सी तीन पार्टनर है जिनका रेशो 6, 5 और 4, यही है ना या गलत है? यस सर। थोड़ा साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा तो आप अपनी बुक में देख लेना। आगे बढ़ते हैं, कह रहा देयर कैपिटल, इनकी कैपिटल बता रखी, मुझे इससे फिलहाल कोई मतलब नहीं है, आगे मैं चलता हूँ, इसको मैं हटाई देता हूँ कब तुम्हारा ध्यान भंग। ठीक है आगे चलते, कहता है ए रिटायर, कौन रिटायर हो रहा जी, ए, लो तो सबसे पहले तो ए को हाईलाइट कर लो, ए को हाईलाइट कर लिया, कह रहा फ्रॉम द फर्म एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन बी एंड सी, तो न्यू रेशो ऑफ बी एंड सी इक्वल टू 1:4, 1:4 ऑन एज एडमिशन द गुडविल वॉज फर्म वॉज वैल्यूएड, गुडविल दे रखी है प्यारे बच्चों वैल्यूएड कितनी दे रखी जी, 1,80,000, तो मुझे बता दो केस कौन सा लग गया? सेकंड। ठीक है भाई, ये हो गया केस सेकंड, ये करा करो जब मैं आपको बताऊं, ठीक है ना, आपको अच्छा लगेगा पेपर में भी, जब आप ऐसे करोगे तभी प्रैक्टिस बनती है, तो घर पे भी ऐसे ही करा करो। खैर आगे बढ़ते हैं, तो यार पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, अच्छा अगर जनरल एंट्री डले तो कौन सी डलेगी भाई, गेन टू सेक, यस और नो? यस सर। तो गेन टू सेक डालने के लिए पहले मुझे ये ना पता होना चाहिए कि किसको गेन हुआ और किसको सेक, यस और नो? अब देख लेना आपने, गड़बड़ी भी हो सकती है, अभी हुई थी ना गड़बड़ी भाई, किसी को सैक्रिफाइस नहीं भी हो सकता, किसी को गेन नहीं भी हो सकता, है ना? सर। तो इसलिए एंट्री से पहले, डालने से पहले, आंख मीच के करने से पहले यू शुड टू फर्स्टली नो दैट कि किस पार्टनर को गेन हुआ और किसको सैक्रिफाइस हुआ, ये वर्किंग नोट में कर लेते हैं हम जरा। चलिए जल्दी से मेरे साथ, बी और सी है तो सबसे पहले हम किसका निकाल लेंगे, बी का, बीज, और मैंने जी डैश छोड़ दिया, और करते हैं न्यू, न्यू कितना भाई, 1/5 माइनस, बताओ माइनस 5/5, ठीक है तो 15 एलसीएम आ जाएगा भाई, 5 या 15, 3 एकम 3 माइनस 5, लॉजिकल लो बात, माइनस के 2/15, ये सुन लो, दो यस सर, तो बताओगे क्या हुआ इसको, इसको हुआ सैक्रिफाइस। ठीक है अब मुझे किसका निकालना, सी का, सी का कितना है, 4/5 चार बटे है ना, पांच माइनस माइनस 4/15 4/15, 4/15 15 ऐसे हम लिया, 5 से 15, 4 3 12 माइनस 4, 12 में से 4 जाएंगे, 8/15, ये तो बात आठ सही बटे है, ये सुन, पंद्रह तो इसको तो सर गेन गेन हो हुआ। गया। यस सर। अच्छा अभी एंट्री क्या बता रखी मैंने आपको, गेन टू सेक, गेन टू सर। तो क्या एंट्री होगी, एकांश, सर इसकी एंट्री होगी सर सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है टू इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। टू इज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, सही है भाई, एग्री हो तुम सभी, क्योंकि यस सर। बी को भी सैक्रिफाइस हो रहा है तो बी को भी सैक्रिफाइस एंट्री बताई, तो गेन टू सेक, तो इस पे भी स्टार लगा लो, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आने के चांस होते हैं, तो यहाँ पर बी को सैक्रिफाइस करना पड़ा और वहां पर आपने देखा है जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में कि उसको भी वो करना पड़ा। वेल अब यहाँ पर ध्यान रखना, एक का तो आंसर आ रहा माइनस में, एक आ रहा प्लस में, तो जब आप ऐसे एंट्री डालते हो तो ए जा रहा, पहले तो चलो गुडविल देख लेते हैं, वैल्यूएट गुडविल कितने की है भाई, एक लाख 1,80,000 सर। अच्छा और कौन जा रहा है हमारा, बी है ना, यस बी का शेयर, बताओ बी का शेयर कितना था, 5/5 15 2/15
चलिए इसको काट लेते हैं पहले। तो ये 12 पे कटेगा और 12 पंजे कितना हो जाएगा 60,000। तो मुझे इसका तो पता चल गया कि ए के सामने कितने आएंगे क्रेडिट में 60,000 रुपए, लेकिन मुझे बी का भी तो पता चलना चाहिए। तो जब ऐसे होता है एक को माइनस और एक का प्लस, तो आप बी का भी शेयर निकाल लोगे। अरे यार कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? नहीं हाँ, ये बी के ठीक है ठीक है ठीक है, भनक आ गई थी मुझे कि कुछ गलत हो गया। चलिए तो बी का भी निकालना पड़ेगा ऐसे में, ठीक है ना? अरे इव का एक का काटना पड़ेगा। अरे यार मैं कंफ्यूज हूँ, यानी कि हमारा जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो बता दो कौन हो रहा है रिटायर? रिटायर बी हो रहा ना सर, ए हो रहा सर। अरे यार हद करते हो, एक सेकंड रहो, तुमने गलत करवा दिया फिर कुछ। क्वेश्चन के अंदर रिटायरमेंट हो रहा है ए का, ठीक है ए का रिटायरमेंट हुआ ना, तो पहले सबसे पहले हम ऐसे ही करेंगे ए का ही निकाल लेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? पहले हम ए का ही निकाल लेंगे, चाहे वो सही बात ए की आएगी, लेकिन स्टिल तुम्हें पहले ए का निकालना है। जो रिटायर हो रहा जो करता है वही तो निकाल लेंगे हम, मुझे पहले बताते आप। ए का शेयर निकाल लेंगे, ए का शेयर कितना हो जाएगा 1,80,000। ए का शेयर बताओ मुझे कितना था, 6/15। हाँ ये इसको 12 बार कटेगा तो 12×6=72, तो ए का शेयर 72 आया। ऐसे करना है अब फर्क आ जाता है ना, देखो आंसर में। अब मुझे किसका निकालना, बी का शेयर, और तुम कह रहे कोई गलती नहीं सर, बी का अब दोबारे 1,80,000 में ही गुना करनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना। एडमिशन में भी ऐसा होता था जब एक का माइनस, हाँ जी नहीं हाँ इसके शेयर से 2/15 से, वो वाला पुराना शेयर नहीं, इसका सैक्रिफाइस रेशो। तो ये इसको 12 पे कटेगा और 12×2 24,000 तो यहाँ पे लिख देंगे हम 24,000। अब इन दोनों का टोटल हम यहाँ लिख देंगे 96,000। अब कंप्लीट है क्वेश्चन और बिल्कुल करेक्ट है। इस पे डबल स्टार लगाओ क्वेश्चन पे, इस टाइप के क्वेश्चन के आने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ पर अमाउंट में जो ज्यादा गलती कर सकते हैं, यहाँ पर 2/15 से गुना करना याद नहीं रखते, ठीक है जी? यस सर ठीक है सर। चलिए यस सर, अब आपका एक टॉपिक बचता है हिडन गुडविल, उसको भी अभी देख लेते हैं जरा, छोटा सा टॉपिक है। चलिए जी हिडन गुडविल, हालांकि पेपर में फिर कहता हूं मैं कि ये आपको नहीं मिलेगा, लेकिन समझने के लिए समझ लेते हैं। कह रहा देखो ए बी सी तीन पार्टनर थे, ए बी और सी तीन पार्टनर थे जिनका रेशो 4:3 और 2 था। बी रिटायर हो गया, ठीक है। कह रहा बी रिटायर एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट और रिजर्व एंड गेन ऑन रिवैल्यूएशन स्टैंड, यानी कि जो उसका पैसे देने बनते थे, क्योंकि जो रिटायर हो रहा है उसको देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे भाई, उसका हिसाब करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, पहली क्लास में समझा दिया था। उसको देने 1,39,200 किस बात के, कैपिटल के, कोई जनरल रिजर्व था उसके, प्रॉफिट हुआ ऑन रिवैल्यूएशन, सबको मिला के 1,39,000 रुपए दो बैठते हैं। लेकिन उसको देने कितने, ए एंड सी अग्री टू पे, उसको देने के लिए कितने तैयार है, 1,50,000 रुपए। अच्छा कभी ऐसा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, ऐसा होगा तुम्हें देने तो बैठते हैं किसी का 10,000 रुपए, तुम उसके 12 दे दोगे? नहीं सर नहीं देने के ना, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? देखो कल की क्लास में, पहली क्लास में बताया था कि जो पार्टनर होता है उसने जो 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल जो भी काम किया उसमें उसकी क्या मेहनत जुड़ी हुई है, गुडविल की, तो याद है ना मैंने कल आपको बताया था। तो एक तो कैपिटल देनी पड़ती है, रिजर्व देने पड़ते हैं, और क्या देनी पड़ती है, अमाउंट ऑफ गुडविल, ये कंसेप्ट पहले ही समझा दिया था, तो उम्मीद करूंगा याद होगा आपके। तो यहीं पर आ जाते हैं सीधा अपने क्वेश्चन के अंदर। तो ये मेरे प्यारे बच्चों ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो पे कर रहे हैं वो किसी वजह से पे कर रहे होंगे बताओ मुझे, गुडविल
गुडविल गुडविल की वजह से सर। बिल्कुल, गुडविल के वजह से। तो अगर वे गुडविल के वजह से पे कर रहे होंगे तो कितने पे कर रहे हैं यहाँ पर, 10,800। 800 लेकिन यहाँ पर याद रखना, एडमिशन में वो पूरी फर्म की गुडविल आती थी, हिडन गुडविल, लेकिन इसमें ये पूरी उसी की आएगी जो रिटायर हो रहा, 20 शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल। समझ में आ गया यहाँ तक? यस यस सर। हमेशा जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देगा, ये नहीं मिलेगा आपको पेपर में, आपको कैसे पता लगाओगे? उसको देने इतने थे, लेकिन ए उसके जो रिमेनिंग पार्टनर है वो ज्यादा देने के लिए तैयार है, तो वे जो ज्यादा दे रहे हैं उनके खैरात में नहीं आ रहे पैसे, वो छुपा रखा है। हिडन का मतलब होता है छुपी हुई, तो वो इसका मतलब है वे जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं ओनली फॉर गुडविल, तो वे गुडविल के लिए पेमेंट कर रहे हैं। डन है यहाँ तक बात? यस सर। सर। अच्छा, रेशो की बात कर लेते हैं। रेशो के बारे में क्या कह रहा है ये? उसने कहा जो न्यू रेशो होगा, न्यू रेशो उन्होंने बता दिया 5 और 3 होगा, तो न्यू रेशो ऑफ ए एंड सी वो कितना होगा? 5 और 3 होगा। तो गेन और सैक रेशो निकालना पड़ेगा भाई। यस सर। आप पूछोगे सर एंट्री क्या पास होगी, तो मैं आपको बता दूं एंट्री यही पास होगी प्यारे बच्चों। कौन सी? गेन टू गेन टू सेक। सैक। कर लोगे? यस सर कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मुझे करके दिखाना आप, क्वेश्चन नंबर 19 और 20। मैं कल जरूर देखूंगा दोनों क्वेश्चन कंप्लीट आपके, ये दो क्वेश्चन मुझे चाहिए कल आपके ओके बुक। सर। नहीं आते तो मुझसे पूछ लेना। इतना ही था इस में। लो जी, मेरे पास एक नोटबुक तैयार होगी, देख लो फेयर क्वेश्चंस की। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो हमने टॉपिक ये कंसीडर कर लिए, कंप्लीट कर लिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 24, 25 और आपका 26, ये हमारा तीसरा टॉपिक है एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस का। ये क्वेश्चन जो है एक बार थोड़ा सा कल की क्लास में बता दूंगा, लेकिन आपको करके लेकर आने हैं, उम्मीद करूंगा आप कर लोगे। जैसे कल बताया था आपको कि इनकी बेसिक एंट्री क्या होगी प्यारे बच्चों, वही होगी जो चैप्टर नंबर। अच्छा, सॉरी। सर ठीक है एसेंस ठीक है, लाइबिलिटी है हाँ इनको रहने मतलब देना अभी, दूसरे ठीक है, इनको करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे है अभी। सर। ठीक है ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये है एक्यूमुलेटेड ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये 27, 28, 29, ये 3 क्वेश्चन आपको करके लेकर आने हैं। और जो पहले वाले क्वेश्चन है शिवम, इनको आप छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आनी, क्योंकि इससे बड़े क्वेश्चन हम करेंगे अपने आप हो जाएंगे आपके। ठीक है जी, तो आप छोड़ देंगे ठीक है 24, 25, 26 छोड़ दो आप, और 27, 28, 29 की जनरल एंट्री डलेंगी जो आपके एडमिशन में डलती थी, सेम उसी के तर्ज पर डलेंगी। फिर भी एक बार कल देख लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आती है। तो आज की क्लास यही रखते हैं, मिलते हैं कल को एक नए टॉपिक के साथ।